ओरिजिनल पुलिस होता, मैं करीना इधर, ओरिजिनल करीना। नहीं ये झूठ बोलता, हम यहाँ, मैं यहाँ पे मैं करीना, तुम शूटिंग पे जाओ, जाता नहीं, ये झूठ बोलता, ये करी अम्मा, ये ओरिजिनल कॉप करी अम्मा, मैं करीना, करीना कितना झूठ बोलता, ये कितना झूठ बोलता, मैं करीना होता, ये करी अम्मा, यो यो अम्मा, तुम टॉप का कॉप होता लेकिन एक्टिंग एकदम बकवास करता, कितना गंदा कॉपी मारता, देखो उधर शूटिंग पे मेरे को यहाँ पता नहीं क्या किया, इतनी जोर से मारा मैं बेहोश हो गया, उसके बाद ये यहाँ भाग के आया, ये करी अम्मा, मैं करी ना, सीनियर सुंदरी, ये देखो माय लेफ्ट प्रोफाइल, देखो देखो इधर रियल बवाल, ये करी अम्मा, हाँ भागे हम, शुक्र मनाओ कि तुमको सिर्फ बेहोश किया, तुमको जान सही नहीं मारा। तुम्हारे ये फालतू शूटिंग से अच्छा हमारे लिए ये इस ठग को ढूंढना है जो बाहर घूम रही है आजाद दूसरी ठग करने के लिए। बिल्लू की मौत एकदम उसके नजदीक में है और हम भटक गए हैं तुम्हारे शूटिंग की वजह से। हमारे लिए हमारा काम ज्यादा जरूरी है, तुम्हारा ये शूटिंग नहीं, समझे तुम? तुम्हारे ये जो झूठा फेम और झूठी शोहरत, ये सब हमारे लिए मायने नहीं रखती है, हमारा काम हमारे लिए मायने रखते हैं और हम वो करेंगे सबसे पहले, समझे तुम? भागे हम इसका शूटिंग छोड़ के। और तुमको क्या पता करीना कि जान का कीमत क्या होता है? देखिए करिश्मा सिंह, हम आपकी फीलिंग समझते हैं, इनफैक्ट हमें उम्मीद थी कि आप ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन आपको हम पर थोड़ा तो भरोसा करना चाहिए था। बहरहाल देखिए, हमें उस औरत का एड्रेस अब मिल चुका है, आगे अब संभाल लेंगे हम, आप जाएंगी वापस और करीना का काम संभालेंगी, और जब तक हम आपसे नहीं कहते तब तक आप शूटिंग का सेट छोड़कर जाएंगी नहीं। पर मैडम सर हमारे, करिश्मा सिंह प्लीज राइट नाउ। जी मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद। आपसे हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल बिल्लू जो है हॉस्पिटल से वापस आने वाला है, बिल्लू को अब तक पता नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या है, कोशिश कीजिए कि जब तक हो सके बिल्लू को ये बात ना पता चले, ये उसी की सेहत के लिए बेहतर होगा। प्लीज उसके रूम का बंदोबस्त करवाइए जिसमें सारी सुविधाएं होनी चाहिए। जी मैडम सर। बिल्लू को कोई प्रॉब्लम ना हो। जी। जितना हो सके वो खुश रहे, आराम से रहे। जी मैडम सर। बदनाम भाई, जहर पिलाओ। अच्छा यार, बिल्ली का कुछ पता चला? उत्तरी अरे वो मर तो नहीं गया, चेक करो। हाँ यार, हॉस्पिटल मर गया, उसका कोई है भी नहीं हमारे अलावा, लाश तो लानी पड़ेगी ना। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अरे ओ बिल्ले, तू ठीक हो जाए, ये हो नहीं सकता, और हम तुझे ठीक होते देखे ये हम होने नहीं देंगे, समझा? अस्पताल से डिस्चार्ज का हुआ तू, कैसा मेरा भाई तू, बोल। मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे शुभचिंतकों, मैं प्रभु के चरणों में, प्रभु में लीन हो चुका हूँ, अब मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं रहा, अब मैं बिल्लू बाबा हो गया हूँ। अरे नहीं नहीं बिल्ले, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मासूम आदमी कहाँ पड़े हुए सब चक्कर। मूर्ख बालक, ये सारी बातें, तू जैसे प्राणियों के स्तर से बहुत ही ऊपर है, देखना कुछ ही दिनों में ये सारी दुनिया इस बिल्लू बाबा के चरणों में होगी, नतमस्तक करेगी, इस सारी दुनिया को बिल्लू बाबा की शक्ति का आभास हो जाएगा, प्रभु की लीला है, प्रभु का तांडव। बिल्लू जी, अब मैडम सर अंदर आपका इंतजार कर रही है और एक सरप्राइज भी आपके लिए। ओम नमः शिवाय। अब ना हमारा सर रहा, ना हमारा प्राइज रहा, हम तो बैरागी हो गए हैं, ना सम्मान का मोह है, ना अपमान का भय। ओम नमः शिवाय। चलिए, ओम नमः शिवाय। चलो चलो देखते हैं क्या। हाँ आ जाओ। आओ बिल्लू। तो आज से ये है तुम्हारा नया बिल्लू निवास,
यहाँ पर तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें हैं, यहाँ तक कि अम्मी रोज गर्मा गर्म खाना बनाकर तुम्हारे लिए यहाँ भिजवाएगी। और तुम तो जानते ही हो कि अम्मी के हाथ का खाना कितना अच्छा है। हे प्रभु, ओम नमः शिवाय। कभी चखने का मौका नहीं मिला, वरना बता देते आपके अम्मी का हाथ का टेस्ट कैसा है। मिलेगा मिलेगा तुम्हारे लिए। देखो वहाँ पर टीवी भी लगाया हुआ है, एसी भी है, हर तरीके का सारा इंतजाम है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये सब प्रभु की लीला है, प्रभु की लीला अगाध है। प्रभु ओम नमः शिवाय। प्रभु आप महान हो, महान हो। बिल्लो बाबू, अरे इतनी खातिरदारी कैसे? संतोष, ये क्या बातें कर रही, चल क्या रही है? मैडम सर, आपको बताया था ना, बिल्लू जी के सपने में साक्षात महादेव आए थे, उन्हें शक्ति देकर गए हैं कि वो किसी के भी सर पर हाथ रखेंगे तो उनके सारे दुख दर्द चले जाएंगे। अच्छा, आपको यकीन नहीं हो रहा? सच ही बोलेंगे ना, भगवान के नाम पे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। इतनी अच्छी ट्रीटमेंट कैसे? हाँ वही तो, मैडम सर खातिरदारी कर रही है। ऐसे कैसे, क्यों हो गया ऐसा? प्रभु की लीला है। ये बिल्ले, एक काम करोगे, चलो देखते हैं लोग तुमको कितना मानते हैं। अब मैडम सर को बोलो ना हमारा कंधा दर्द कर रहा है, दबा दे। रे 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 रे, क्या सिखा रहा है सबे तुम लोग? मैडम सर, हमारा कंधा दबा दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। बिल्कुल, रहने दीजिए, प्रभु की इच्छा यहां तक ही थी। जाओ बिल्लू बाबा, बिल्लू बाबा की जय हो। जाओ बिल्लू बाबा, बिल्लू बाबा, बिल्लू बाबा। पैर पकड़ने हैं, चरण स्पर्श करने हैं तो महादेव की कीजिए। ओम नमः शिवाय। क्या बात है, बाइक बहुत अच्छे से चलना सीख गई? हां तो 2 दिन का कंटिन्यूस प्रैक्टिस गुरुजी, मेरा हार्ड वर्क, मेरा डेडिकेशन। अरे अम्मा को क्या लगता है कि सिर्फ वो ही बाइक चलाता क्या? देखो मेरा बाइक एयर से कैसा टॉकिंग करता। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट रुको, यहां राइट 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 राइट, बस बस रुक जा। कैसा? अब कैसा मतलब? कैसा रुकता, मेरे को चलाना आता, रुकना नहीं आता। अरे वो दबाओ ना। क्या क्लच? नहीं नहीं, वो नहीं दबाता। तो दूसरा दबाओ फिर। ओ करी अम्मा, मना करा, मैं नहीं दबाता। अब रुकेंगे कैसे? जब पेट्रोल खत्म होता तब रुकता, अभी बैठो। अरे अरे रुको रुको। चैंपियन हूँ मैं, ऐसा हड्डी पसली तोड़ के हाथ में दे देगी ना कि पता भी नहीं चलेगा तेरे को। अयो अम्मा, तुमको बॉक्सिंग आता? हाँ, दिखाओ तेरे का। अम्मा बचाओ, बचाती मैं तेरे। किधर भाग, किधर किधर भाग, इधर आ, इधर। अभी तो मारा भी नहीं, चिल्ला काहे कर रही है? तुमको जिधर मारना उधर मारना, लेकिन फेस को टच नहीं करना और मेरे लेफ्ट फल को तो बिल्कुल नहीं मारना।
ये ले। नालायक, उसको मारा तुम। तीजी तो तुम भी आ गए। ये ले, ये। नालायक, आजा, आजा, शिशु, शिशु। तुमको मारा, उसको जाके पकड़ो। तुमको भी तो मारा, उसको जाके पकड़ो। नहीं, अभी बाद में पकड़ता। चलो, 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 आई। इतना मारता। रीना जी, क्या हुआ आपको? बैठिए। क्या हुआ? क्या हुआ? कुबटा। बैठिए मेरे कुबटा। अरे लगा तो हमें भी है। आपको क्यों लगा? ये तो हमको बहुत अच्छा तरीका से पता। लाख बार इनको बोले, करीना जी को लाख बार बोले कि इनसे एक्टिंग मत सीखिए। सीखी इनसे एक्टिंग, कहीं ओवर एक्टिंग कर देंगे, पीट पिटा गए होंगे दोनों लोग। बताया था ना करीना जी आपको। भाग। अच्छा एक सेकंड पुष्पा जी, आप पानी पीजिए ना। हाँ पीजिए। अरे दोगी तो पियेंगे ना। मैडम सर, मैडम सर देखिए ना क्या हो गया करीना जी को और पुष्पा जी को, क्या हो गया देखिए। अरे क्या हो गया पुष्पा जी? करीना आप लोग ठीक है? डॉक्टर बुलाए हम, कहाँ चोट लगी है? नासपिटी करम जली चुड़ैल कहीं की। एक मिनट पुष्पा जी, करीना वो है, हम नहीं है, ये सब वो है। और आप भूल रही हैं कि हम आपके सीनियर हैं, 2 मिनट लगाएंगे लाइन हाजिर करने में, समझिए आप। अरे अरे, हम आपको थोड़ी ना कुछ कह रहे हैं, हम तो उस रूपा को कोस रहे हैं जिसको पकड़ने के लिए मैडम सर ने हमें भेजा था। नालायक बहुत लड़ाकू निकली मैडम सर, वो इतना कूटा इसे, इतना मारा इसे, इतना धोया इसे। खाली मेरे को? नहीं नहीं, मतलब हमको भी थोड़ा मारा, मगर क्या है, हम तो पुलिस में है ना, हमने अपने आप को थोड़ा सा बचाया। मगर ये तो शूटिंग वाली, ये तो ना सिर्फ मुंह से झिशुम झिशुम आवाज निकाल रही थी, एक थप्पड़ नहीं मारा इसने। मेरे को शूटिंग वाला आदत ना, ओनली साउंड, नो टचिंग। लेकिन वो शूटिंग वाला नहीं निकला, मेरे को बहुत मारा, मेरे को इधर मारा इधर मारा। और भेजिए मैडम सर इस रूई के फाय को, नाचने कूदने के अलावा इसको कुछ नहीं आता, दिन भर मटकती रहती है। नहीं मतलब उस धोखेबाज औरत से सरे हम पिट कर ये आ गई है, हमारी इज्जत का जुलूस निकाल दिया है इसने। हमने पहले ही कहा था मैडम सर, ये किसी काम की नहीं है, हम बता रहे हैं आपको। अच्छा, और आई, अरे बाप रे, आराम से। और तुम बहुत होश यार, तुम सारे काम एकदम परफेक्ट करता, तुम बहुत स्ट्रांग होता ना, आता मेरे को शूटिंग से कॉल, बताता मेरे को कि तुम क्या क्या गुल खिलाता मेरी शूटिंग में। हाँ हमाओ गुलबुल मत बोलना, नहीं तो दुनिया से गुल कर देंगे तुमको, बता रहे हैं। देखा देखा, हाँ खुद का पोल खुलता तो वाइड वाइड आंख करके मेरे को देखता। देखो क्या किया, क्या किया, क्या हमने, हाँ क्या किया, हाँ क्या किया बताओ। गुरुजी, हीरो के कान में इतना जोर का ऑटोग्राफ दिया कि वो ऑफ साउंड हो गया, उसके राइट ईयर में उसको कुछ सुनाई नहीं आता, पिक्चर से मैं आउट हो गया, मेरा सपना वॉश हो गया, मैं फिर से वही आइटम गर्ल, मैं वही आइटम गर्ल रह गया, हीरोइन नो सपना नो, इसकी वजह से, इसकी वजह से। शुक्र मनाओ कि उसका जबड़ा नहीं उखाड़ा हमने, ठीक है। मैडम सर देख रही हैं, हमने कहा था ना ये अदला बदली इतनी आसान नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से इतने विपरीत है, नहीं ले पाएंगे एक दूसरे की जगह। हमें बिल्लू को बचाना है मैडम सर, हमारे पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। उस धोखेबाज औरत को पकड़ना है मैडम सर, जिसकी वजह से हमारे बिल्लू का ऑपरेशन खटाई में पड़ा है, उस एक धोखेबाज औरत की वजह से ना, जरूरतमंदों की सहायता करने से लोग संकोच करते हैं। करिश्मा बैठो। नहीं अभी मूड नहीं है। बैठो, 2 मिनट बात करनी है। देखो हम समझ सकते हैं, तुम कौन है? हम बैठो बैठो, देख, हम देखते हैं, हम देखते। अरे मैडम सर आप जी। जय हिंद, आइए ना, आइए ना। जैन मैडम सर आप यहाँ इस वक्त सब ठीक है? हाँ हाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक, हमने बस सोचा कि नहीं नहीं ठीक है, एक खुशखबरी मिलकर आप दोनों को दे दें कि अब आपको करीना बनकर सेट पर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप उससे फ्री हो चुकी हैं, अब आप थाने वापस आ सकती हैं, अपनी ड्यूटी संभाल सकती हैं और वो कर सकती हैं जो आप हमेशा करती हैं।
शुक्रिया मैडम सर। नहीं नहीं, आप हमारा नहीं, किसी और का शुक्रिया अदा कीजिए। आ जाओ। ये डिसीजन करीना का ही है। क्या, ये कहाँ जा रही हो तुम? मैं वापस चलता, बैक टू चेन्नई। क्यों? कि करी अम्मा मेरे हीरो को मारा, मेरे हीरो के कान के वन साइड का साउंड आउट होता, मैं पिक्चर से आउट, वो प्रोड्यूसर मुझे प्रोजेक्ट से आउट करता, बोला तुम जाओ वापस, सब फिनिश, मेरा करियर फिनिश, सब फेल हो गया। लेकिन मेरे को इस बात का दुख नहीं होता, मैं खुश होता कि मैं यहां से जाता ना तो करी अम्मा का जान छूटता मुझसे। तुम तो खुश होता करी अम्मा, मैं यहां से जाता अब तुम मुझे नहीं झेलता, खुश ना तुम? सुनो ना, जानबूझकर नहीं किया हमने, समझे? वो तुम्हारा हीरो जानबूझकर वैसा छूने का प्रयास कर रहा था हमें बार बार। नहीं, हमसे घुटन होता है, हमको नहीं सहन होता, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम ये सब हरकतें। उसके साथ काम कर रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसको अधिकार मिल गया कि वो हमें कहीं भी छू सकता है, बदतमीज इंसान। ये बात तो सही है, ये तो हम भी देख रहे थे, इसलिए हमने उसको एक जोर से कंटाप लगाया, अब समझ में आया होगा उसको। इसलिए ना हमें तुम्हारा ये फिल्मी लाइन पसंद नहीं है। करी अम्मा, अच्छा बुरा इंसान हर जगह होता, तुमको क्या लगता बड़ा बड़ा ऑफिस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बड़ा बड़ा कंपनी में ऐसा लोग नहीं होता? हर जगह होता करी अम्मा, मेरे हीरो जैसे रास्कल हर जगह मिलता, सच में। अब तुमको समझ में आया कि मेरा जॉब, मेरा प्रोफेशन कितना मुश्किल होता, मैं कितना मेहनत से, कितना पेशेंस से काम करता वहां पे, तुम समझा? ये बिल्कुल ठीक कह रही है करिश्मा सिंह, इस दुनिया में अपनी जगह बनाना खास तौर पर एक औरत के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं, न जाने क्या क्या झेलना पड़ता है, कितने सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, कितने लोग, उनके कितने सारे ईगो, न जाने कितनी चैलेंजिंग सिचुएशंस, उस सब के बाद एक औरत फाइनली अपना एक मुकाम, अपनी एक जगह, अपना एक वजूद बना पाती है दुनिया में। करिश्मा सिंह, देखिए, आप माने या ना माने, गलती आपसे हुई है। अगर आप इस पूरे मामले को थोड़ा सा पेशेंटली हैंडल कर लेती तो शायद ये सब नहीं होता। हमारी नजर में आपको एक टास्क दिया गया था जो आप पूरा नहीं कर पाई, जिसमें आप फेल हो गई हैं, और यहां तक कि आप अपना वादा भी नहीं निभा पाई। अच्छा ठीक है, मैं जाता, फ्लाइट का टाइम होता। बाय गुरुजी, बाय करियम्मा, बाय सीनियर सुंदरी। सुनो, हमने तुम्हें कहा था कि तुम करिश्मा सिंह कभी नहीं बन सकती, वो बात सच है, क्योंकि करिश्मा सिंह तुम्हारी तरह ऐसा हार कर वापस नहीं जाती। करिश्मा सिंह लड़ती, आखिरी दम तक लड़ती, जब तक जीत नहीं जाती। हम करेंगे बात तुम्हारे प्रोड्यूसर से, मनाएंगे उनको, और हो सके तो उस हीरो से माफी भी मांगेंगे तुम्हारे लिए। लेकिन तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारा पिक्चर तुमको वापस दिलवा के रहेंगे, और ये तो सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने कि तुम वादा का कितना पक्की, मालूम मुझे, मालूम। ठीक है, तो फिलहाल तो तुम्हें अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, मैं नहीं चाहता। आ तो बहु, आ तो सास माँ। हाँ, आई? नहीं नहीं, अब ऐसा। चलिए, ये बहुत अच्छा हो गया। और एक अच्छी बात ये है कि उस फ्रॉड औरत के बारे में पता चल गया है, एक टीम हमने बनाकर उसके पीछे भेजी है, बहुत जल्द कोई लीड मिलनी चाहिए। पर हमें अब भी बिल्लू की बहुत फिक्र हो रही है, वक्त बीतता जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैडम सर, जैसा कि आपने कहा था नफीसा उर्फ अमीना उर्फ रूपा के बारे में डिटेल्स निकालने के लिए, तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हाथ आई है। ये नफीसा जो है अब तक 10 अलग अलग साइट से क्राउड फंडिंग कर चुकी है। क्या? जिसमें से 9 तो बिल्कुल ही फेक है,
कोई ऑफिशियल अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ना ओनर का कोई अता पता है, ना अकाउंट होल्डर का कुछ पता है, लेकिन एक साइट है जिसके बारे में पता चला है और उसका नाम है, पुष्पा जी एक सेकेंड, उम्मीद है .com। इसके बारे में हमारे पास डिटेल्स है और एड्रेस भी है, और एड्रेस वही है जहाँ से वो फहीदा को, नफीसा को सबसे पहले उठाया गया था। हमारे ख्याल से जय हो बिल्लू बाबा की जय हो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये कौन है आप? ये क्या कर रहे हैं? अरे बिल्लू बाबा की जय हो, बिल्लू बाबा के दर्शन करने आए हैं मैडम। एक सेकेंड, हम आपको मिलवा देंगे बिल्लू जी से, लेकिन आप ऐसे पोछा लगाते लगाते क्यों आ रहे हैं? हाँ? पोछा नहीं लगा रहे हैं तो भक्ति दिखा रहे हैं। घर से यहाँ तक ऐसे ही आए हैं ताकि बिल्लू बाबा के एक बार दर्शन हो जाए तो हमारा भाग्य चमकने लगे। जय हो बिल्लू बाबा। तो आपको पता चल गया बिल्लू बाबा के बारे में? ए, हमें क्या माता जी। हाँ, दीदी दीदी बुलाइए इनको। दीदी आप आगे बोलिए। सारे शहर को पता चल गया है बिल्लू बाबा के बारे में। मैडम सॉरी, बिल्लू जी को ज्यादा फेमस नहीं होते जा रहे। कहाँ है बिल्लू बाबा, मुझे दर्शन करना है, बताइए ना। हाँ मिलवाते संतोष शर्मा ने। हाँ, जी आइए जाइए आइए। बिल्लू बाबा की जय हो। बहरहाल एक काम कीजिए, आप और करीना साथ में जाइए इस उम्मीद है .com के ओनर से मिलिए, देखिए क्या पता चलता है, पता कीजिए, जानकारी निकालिए उस नफीजा उर्फ रूपा उर्फ अमीना। हाँ उसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालिए, क्योंकि हमें लगता है कि ये सब ना लालच का चक्कर है। जब पहली बार उस औरत को पता चला कि अपना दुख सुनाकर लोगों से पैसे निकलवाए जा सकते हैं तो उसके मन में लालच आ गया, उसने इसे अपना ठगी का धंधा ही बना दिया और लोगों को इसके लपेटे में लेने लग गई, कंपनी खोल दी लोगों को ठगने के लिए। सच में इस तरह के लोगों को ना कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ठगों की वजह से जब असलियत में लोगों को जरूरत होती है ना तो कोई मदद करने आगे नहीं आता।